इनकी से क्या आइडेंटिफिकेशन है भाईजान? इसके ये देखे ऊपर वो उड़ गया मेरे साथ, वो उड़ा दिए, एक पकड़ी थी, आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे थे कि इसके ऊपर ना 7 स्पॉट्स हैं इन पे, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कलेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सामा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पाक एग्रीन। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप जो है उसके पेस्ट की कलेक्शन करने के लिए। वैसे तो उसके बहुत सारे पेस्ट हैं जिसमें सैम बोरर है, शूट फ्लाई है और बाकी एफिड जैसे भी वगैरह हैं, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है वो है फॉल आर्मी बम। तो आज उसकी हम कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि वो किस किस स्टेज पर किस तरह अटैक कर रही होती है और उसका किस तरह से वो डैमेज काज कर रही होती है। तो चलिए आज आपको वो दिखाते हैं और उसी की कलेक्शन किस तरह से की जाती है, हम लार्वी की कलेक्शन करके दिखाएंगे। अब हम निकलने लगे हैं कलेक्शन के लिए और दो ये खड़े हैं भाई हैं हमारे, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं और एक अभी लैब के अंदर गया हुआ है वो सामान उठाने के। बिल्कुल बिल्कुल, मे बी क्योंकि आज मौसम बहुत ही ठंडा है माशाल्लाह से, और हम जा तो रहे हैं कलेक्शन पे लेकिन हम देखते हैं कि हमें कलेक्शन मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके ऊपर, इंसेक्ट्स के बिहेवियर के ऊपर। तो चल के देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आज फरवरी की 26 तारीख है और हमें इस तरह की मेज़ मिली है छोटी छोटी, तो इसका मतलब है कि अभी तो इसके ऊपर कोई इतने एक्टिव पेस्ट नहीं होंगे, तो हम चल के किसी और फील्ड में देखते हैं अगर कहीं और जगह पे कोई मेज़ खड़ी हुई हो या अभी थोड़ी से बड़ी हो ताकि हमें वहाँ से पेस्ट मिल सके। आए तो हम थे मेज़ में फॉल आर्मी बम की कलेक्शन के लिए, लेकिन हमें मेज़ जो है छोटी छोटी मिली, हमने आपको पहले दिखाई है छोटी छोटी ही थी मेज़, तो हम फिर अब आए हैं एक वीट का फील्ड है, यहाँ से हमने प्रीडेटर्स की कलेक्शन करनी थी, सैवन स्पॉट लेडीबर्ड बीटल की, वो करते हैं फिर हम वो आपको दिखाते हैं। यही होती है ना चीज़, देखे हैं कि हमें एक बीटल मिल गई है, यहाँ से सेवन स्पॉटेड ही है ये। सेवन स्पॉटेड बीटल की किसी क्या आइडेंटिफिकेशन है भाईजान? इसके ये देखे ऊपर वो उड़ गया मेरे साथ, वो उड़ा दिए, एक पकड़ी थी, आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे थे कि इसके ऊपर ना 7 स्पॉट्स हैं, ये उड़ भी जाता हुआ था इसके ऊपर। भाई मिल रहे हैं हमें? तो मिल गए यार काफी सारे। एक दिखाता हूँ कि ये देखिए इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की फील्ड में, ये दो लीव्स हैं, दो के ऊपर दो ही आपको लार्वे नजर आ रहे हैं, एक ये ऊपर यहाँ पे ये देखें यहाँ पे नजर आ रहे हैं लार्वे, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ये बहुत अच्छा कंट्रोल देते हैं लोग, तो इन्हें इंपोर्ट करवाते हैं ये तो ब्रीडिंग हाउस जो बने होते हैं वहाँ से, और अपने फील्ड में रिलीज़ करवाया जाता है ये, कि ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल दें काफ़ी सारे पेस्ट के अगेंस्ट, ये जो एग्स होते हैं ये वो खा जाते हैं, उसके बाद जो छोटे पेस्ट हैं एफिड हो गया, बाकी जो इस तरह के छोटे छोटे पेस्ट हैं सकिंग हैं उनके ऊपर काफ़ी एक्टिवली भी। बीटल का पीक सीज़न आता है तो हमें हर जगह ही लार्वे और प्यूपे नज़र आते हैं, इसके अडल्ट लार्वे प्यूपे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक दरख्त है उसके ऊपर ये इसका लार्वे है, अब फाइनल इंस्टार है और प्यूपा बनने की तरफ जा रहा है अब इसका, और इसी दरख्त में के नीचे हम देखें तो हमें काफ़ी सारे प्यूपे नज़र आएंगे, ये देखिए एक दो और भी थे काफ़ी सारे। तो अगर हम फील्ड में बीटल्स के लार्वे या अडल्ट कलेक्ट करने के लिए जाएं तो हमें उनके एग्स भी नज़र आते हैं फील्ड में इस तरह, इसलिए काफ़ी सारे लेड होते हैं और ये तकरीबन 20-25 हैं एग्स, तो ये लीव्स के ऊपर था, ये जो छोटा सा इंसेक्ट नज़र आ रहा है आपको ये जो है इसे रूफ बीटल कहते हैं, रूफ बीटल ये भी प्रीडेटर है और ये लाखों की तादाद में एक फील्ड में मौजूद है जब पीक सीज़न।
ये कलेक्शन है जो हमने इस फील्ड से की है। लार्वे हैं काफ़ी सारे और एडल्ट्स भी हैं, प्यूपे भी हैं। हाँ, और ये जो है ये नज़र आ रहे हैं ना, ये फोर्थ इंस्टार लार्वे हैं सारे। ये पीछे एक छोटा सा फील्ड था, यहाँ से हमने कलेक्शन की है। तकरीबन थे 100 तक तो लार्वे हमने कलेक्ट किए हैं, बाकी अब ये जा रहे हैं नेक्स्ट वहाँ पे कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें उनके लार्वे के अलावा हमें मिला है होवर फ्लाई, हमने देखी है जिसे सिर्फ फ्लाई भी कहते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी सारे लार्वे बाकी और भी थे। अभी हम नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि किस कितने और किस्म के इंसेक्ट मौजूद हैं। हम उसी जगह पे ही खड़े थे जहाँ से हमने टेडी बियर बीटल की कलेक्शन की है लार्वे की। तो यहाँ पे हमें एक अक मिला है, इस अक के ऊपर हमें एफिड मिला है काफ़ी ज़्यादा, हम एफिड ले लिए। इस एफिड की आइडेंटिफिकेशन आपको करवा देते हैं, येलो कलर का ये होता है। और फिर यहाँ पे कुछ दिनों के बाद यहाँ से किसी और फील्ड में किसी और जो है ना वीड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर विंग्स डिवेल्प हो जाते हैं और ये शिफ्ट हो जाता है। ये इस तरह येलो कलर का एफिड होता है। इसके ऊपर ना लार्वा फीडिंग कर रहा है। देखें लेडी बी बीटल कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी एडल्ट होता है तो सही आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लार्वा फीडिंग कर रहा है इसके ऊपर।